पाठ 10 सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। अमन दूसरी कक्षा में पढ़ता था। आज वह बहुत खुश था। सब बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। पाठशाला पहुंचते ही वह अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। अरे ये क्या, वरदान तो आज आया ही नहीं। परंतु वह आज पाठशाला क्यों नहीं आया भला? उसका दिल बेचैन हो गया। अपने घनिष्ठ मित्र को कक्षा में ना पाकर उसका मन उदास हो गया। जब वह घर पहुंचा, तो माँ ने उसका उदास चेहरा देखा। अरे मुझे लगा था कि अमन पिकनिक पर मौज मस्ती करके आएगा, लेकिन अमन तो किसी से बात भी नहीं कर रहा है। अमन को उदास देखकर माँ ने उसकी उदासी का कारण पूछा। बेटा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? माँ, मेरा घनिष्ठ मित्र वरदान 3-4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। तो तुम अपने मित्र को मिलने उसके घर चले जाओ। माँ के कहने पर वह वरदान से मिलने उसके घर चला गया। वरदान का घर बहुत बड़ा व सुंदर था। उसके घर के पास एक बस्ती थी। बस्ती के लोगों ने सड़क के किनारे बहुत गंदगी फैला रखी थी। जगह जगह पानी इकट्ठा था। पानी के ऊपर ढेरों मच्छर एकत्रित थे। कूड़ा भी कूड़ेदान से बाहर फैला हुआ था। वहां से बहुत बदबू आ रही थी। किसी तरह नाक पर रुमाल रखकर अमन वरदान के घर पहुंचा। वरदान बहुत बीमार लग रहा था। उसे तेज बुखार था। बेटा, वरदान को डेंगू हुआ है। गंदी बस्ती के मच्छरों के कारण आसपास के घरों में भी बीमारी फैल रही है। अमन ने अगले दिन अपने अध्यापिका को सारा हाल सुनाया। अध्यापिका कुछ बच्चों को लेकर बस्ती में गईं। उन्होंने वहां मच्छर मारने की दवाई छिड़की। जहां पानी एकत्रित था, वहां बच्चों ने गड्ढों को मिट्टी से भर दिया। कूड़ेदान का कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर उठवाया। धीरे धीरे सारी बस्ती साफ सुथरी लगने लगी। बस्ती के लोग भी बच्चों को उत्साह से काम करते देखकर उनका हाथ बटाने लगे। कुछ बच्चों ने बस्ती वालों के घरों के बाहर नए पौधे लगाए। फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महकने लगा। अब अमन को पूरा विश्वास था कि उसका दोस्त जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सभी मिलकर फिर से पहले की तरह खेलेंगे।